हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर प्रेजेंट है एक नए टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डियर स्टूडेंट, देखिए जब भी हम किसी पॉइंट्स को रीड करते हैं, जैसे देखिए कोई जनरेटर है, जनरेटर हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़े होंगे जूनियर क्लास में। देखिए जनरेटर से रिलेटेड पॉइंट्स को स्टडी करते होंगे, उसमें बहुत से पैरामीटर, एक क्वांटिटी जो होगा कितना करंट जनरेट हो रहा है, कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को, नेचर को, क्वालिटी को वगैरह, इन सभी चीज़ को स्टडी करने के लिए कुछ पॉइंट्स का कंसीडर करते हैं। इसमें भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। कैसा फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, आखिर में फिजिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या है, इसको, इसकी क्षमता को कैसे मेजर किया जाए, इन सभी क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए एक नया पॉइंट्स जनरेट किया गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को, फील्ड के स्ट्रेंथ को, उसके बाद इसके द्वारा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर लगाए गए फोर्स के स्ट्रेंथ को मेजर करने में यह हमें हेल्प करता है, यह फिजिकल क्वांटिटी। देखिए उससे पहले कुछ फिर से फिजिकल क्वांटिटी को, फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग रिपीट कर ले पिछले क्लास में जिससे हम लोगों ने देखा। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, जैसे पढ़ चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं, जब दो चार्ज को दो पॉजिटिव इक्वल मैग्नीट्यूड का, सॉरी दो इक्वल मैग्नीट्यूड का, अगर यहाँ पर 5 कूलम का लेते हैं तो यहाँ पर भी 5 कूलम का, यहाँ पर यहाँ पर 6 कूलम का लेते हैं तो यहाँ पर भी 6 कूलम का, लेकिन हाँ नेचर अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव होनी चाहिए, कंडीशन है। तो कहते हैं क्या, द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर विच इज कंसिस्ट आफ्टर विद वेरी स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डियर स्टूडेंट, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा एक बार थोड़ा सा आउट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कुछ पूछे, कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं, कितने चार्ज, किस प्रकार के चार्ज पार्टिकल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल मैग्नीट्यूड कितना होता है चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो देखिए चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा याद कीजिएगा क्या होगा, जो भी उसमें चार्ज होगा Q1 और प्लस चार्ज Q2। देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह क्या है प्लस Q, तो इसे क्या कहेंगे माइनस क्यू, क्योंकि ये तो मेन सेल ऐसे करते हैं, प्लस ये माइनस, डाइपोल में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, क्या हो गया क्यू प्लस माइनस माइनस क्यू से क्यू, यानी टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना होता है, जीरो। लेकिन कहा जाए कौन कौन सा चार्ज होता है, तो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हम उससे पहले इस क्वांटिटी को जनरेट करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए 5 कूलम का चार्ज, यहाँ पर अगर हम लेते हैं 5 कूलम का चार्ज है और यहाँ पर -5 कूलम का चार्ज है, अब बताएंगे तो, या फिर यहाँ पर लेते हैं 10 कूलम का चार्ज और यहाँ पर -10 कूलम का चार्ज, अब बताइए आप लोग बता सकते हैं कि इसे कि इसका फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा कि इसका फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा, इसका फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा या फिर इसका फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा, इसका फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा, इसका इस डाइपोल का फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा या फिर इस फील्ड का, इस डाइपोल का फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वाभाविक है यहाँ पर प्लस, यहाँ चार्ज ज्यादा है तो डेफिनेटली इसका फील्ड ज्यादा होगा, इस डाइपोल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, श्योर है, कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से कंसीडर करते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, गेस कर सकते हैं, इतना तो गेस कर ही सकते हैं कि सर ये चार्ज ज्यादा होगा तो उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। फिर उसके बाद देखिएगा इसका लेंथ अगर मान लेते हैं 2 मीटर है और यहाँ पर इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, यहाँ पर डिफिट है, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस है, इसकी लेंथ
4 मीटर। अब बताएंगे इसका जो हो जाएगा तो डेफिनेटली इसका फील्ड यहीं तक फैलेगा, लेकिन इसका लेंथ बड़ा प्रसार बहुत है तो डेफिनेटली इसका लेंथ कुछ ज्यादा रेंज तक होगा। यानी इसको अगर 2a से इंडिकेट करें, डाइपोल के लेंथ को हम लोग 2a से इंडिकेट करें, श्योर है डाइपोल मोमेंट को हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कहा जाता है कि ऐसे बनाते हैं, यानी पहले डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर लेते हैं एक बार। दो डिफिनेशन देंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। पहला, अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच स्टेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। श्योर है अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने, इसे इक्वेशन सेकंड माने, तो हम लोग कह सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी है क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू टू ए। डियर स्टूडेंट, पी को यहाँ पर ऐसे करते हैं, P इक्वल टू के इस साइन को हटाने के लिए Q गुणे टू है, बट K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो P इक्वल टू क्या कर सकते हैं Q इनटू 2 है। तो एक और डिफिनेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या कर सकते हैं, द प्रोडक्ट गुणा, जब जोड़ होगा तो क्या कहेंगे, जोड़ के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको क्या कहेंगे, समेशन, और गुणा के बाद जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस ऑफ डाइपोल, कोई एक चार्ज नहीं है यार, दोनों चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्यू क्यू है, कोई आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड लेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डियर स्टूडेंट्स, यह तो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि यह जो है एक्सिस के अलोंग है और एक सर्टेन डायरेक्शन बताता है, यह तो डिफरेंट है इलेक्ट्रिक, यह जब वेक्टर क्वांटिटी है तो यह भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखेंगे, यह विवेक क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, अब वेक्टर ये है तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन भी होगा। देख लें कि यह पॉजिटिव चार्ज है और यह क्या है, डाइपोल का निगेटिव चार्ज है। यह जो होता है डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से किधर की ओर होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग निगेटिव चार्ज से किधर की ओर होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसको कह सकते हैं क्यू 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 ने टू ए, टू ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, लेंथ है, तो कह सकते हैं। आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। ध्यान देंगे क्या है कि अब इसका यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट कूलम, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर। आगे कुछ बना सकते हैं, इसको स्टेट का कहते हैं, स्टेट जैसे पी बराबर लिखेंगे क्यू गुणे टू, इसे क्या कहेंगे, पी सॉरी इसका सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, स्टेट कूलम है इसका सेंटीमीटर, तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका होता है आईटी और इसका होता है एल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इस आई टी एल, आई करेंट को इंडिकेट कर रहा है, टी टाइम को इंडिकेट कर रहा है, एल लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान देंगे एक और यूनिट होता है डिवॉइड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा एक और यूनिट होता है प्रैक्टिकल यूनिट, ज्यादा करके स्टडी फील्ड में किया जाता है, डिवॉइड यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सबसे छोटा यूनिट है, देखेंगे इसको डी से इंडिकेट करते हैं, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। ध्यान देंगे क्या होता है, जब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो भी चार्ज है, इस चार्ज का स्ट्रेंथ कितना हो, लगभग 10^-10 फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन हम बता चुके हैं आप लोगों को बैक क्लास में, अभी बताने के लिए सॉरी समय नहीं है। ध्यान देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू गुने
टू ए। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, 10^-10 फ्रैंकलिन लेते हैं, यहाँ पर फ्रैंकलिन, और लेंथ को लेते हैं 1 एंगस्ट्रम। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ 10^-10 और फ्रैंकलिन को हम लोग लिखते हैं 1/, पैक में बता चुके हैं, ऐसे भी अभी बता दूं, देंगे हम 10^-9 इंटू एंगस्ट्रम को लिखते 10^-, और यहाँ पर कूलम्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10^-10 मीटर हो जाएगा। तो डिफिनिट है, यहाँ पर कह सकते हैं इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30.33 इंटू 10^, क्या हो जाएगा 29, 10^-29 होगा, सॉरी यहाँ पर ये प्लस है, माइनस प्लस है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा किलोमीटर। इसको ऐसे करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा 3.3 इंटू ये पॉइंट इधर खसक के 10^-30 कूलम किलोमीटर हो जाएगा, यानी 1/2 इतना होता है। रेस्टोरेंट हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर बहुत जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए यूरेका फिजिक्स क्लास। ओके बाय।